ये तो देखेगा ये प्रोडक्शन को, ये सेल को, ये मार्केटिंग को, ये फाइनेंस करना क्या हम लोगों को हमने बताया जिन्होंने करना क्या करना फिर आपने कम्युनिकेट भी करना है कि भाई ये आपका काम है, आप जो है वो सेल को देखोगे, आप प्रोडक्शन को देखोगे, आप परचेज को देखोगे, आप मार्केटिंग को देखोगे, आप एचआर को देखोगे, क्या किया आपने लोगों को कम्युनिकेट कर दिया। जैसे प्रोडक्शन तो क्या मार्केटिंग ऑनलाइन होगी, ताकि सब कुछ स्मूथ वे में वैसे वैसे चलेगा। Planning, organizing, communicating and coordinating क्या activities of the business के लिए कुछ इवेंट्स ऑफ देखिए नेचर है काम वाला काम जो है जहाँ तक पॉसिबल होता है काम को अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसमें सिर्फ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिकेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग तक बात नहीं करेगी, हमें साथ क्या करना होगा एक्टिविटीज को कंट्रोल मीन मॉनिटर सुपरवाइज भी करना होगा कि जैसे हमने प्लान ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट है वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा। क्यों? अगर कंट्रोल मॉनिटर सुपरवाइज नहीं करेंगे तो लोग भी वैसे काम नहीं, इसका फायदा क्या होगा हमें पता चलेगा वैसे चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो हम पे कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि चीज को इसके अकॉर्डिंगली चलाएंगे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मीट होगा। अगर इसके अकॉर्डिंगली चली नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव मीट नहीं। ठीक है, अपने बिजनेस प्लान को डिफाइन कर लिया, बिजनेस इट इज अबाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिकेटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्या एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस की सब ये प्रोसीजर्स ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, ये पांच काम करना और यही हमने इस पेपर के अंदर पढ़ते हैं। प्लानिंग हमें किसी ने तो केयर दिया, इधर हमारी इंटेंशन नहीं थी, हम डॉक्टर क्लियर करना चाहते थे चूंके नहीं बने तो किसी पर यही कर लिया, मुसीबत भी पेपर आ गया, एक तो मुसीबत है कि मैं पढ़ा। क्यों भी रीजन हो सकता सीए वालों ने ये पेपर क्यों क्लियर किया, इस पेपर को बता सीए सारी क्या अकाउंट आप क्या करोगे अकाउंटेंट मुंशी खातेदार, ये पेपर से क्या आपके अंदर स्किल्स आएगी बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस मैनेज करने की स्किल्स आएंगी तो आप टॉप मैनेजमेंट पे जाने के काबिल बनोगे, वरना आप क्या रहोगे सिर्फ अकाउंटेंट। जिससे मैनेजमेंट की स्किल्स आएंगी, जिससे बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स आएंगी तो आप टॉप मैनेजमेंट की होगे, अगर टॉप मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है तो आप कहां पे लोगे लोअर मैनेजमेंट या ज्यादा से ज्यादा मिडिल मैनेजमेंट। या पेपर क्यों पढ़ रहे हैं कि कल को सपोज हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाने आए, किसी सेफ के बिजनेस को मैनेज करना है तो मैनेज करना हमें आना चाहिए, क्यों सेफ का बिजनेस मैनेज होगा तो हमें अच्छी पे देगा, अगर हम उसका बिजनेस मैनेज नहीं कर पाए तो काम से पकड़ गए अपना बिजनेस करना है। अब तक देखा है किसी अमीर आदमी को
दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर आदमी हैं वो क्या है, सारे के सारे बिजनेसमैन। क्यों जॉब से कभी नहीं बना, सारे बिजनेसमैन। तो तुमको अगर हमें अपना बिजनेस करना है और हमने भी सक्सेसफुली मैनेज करना है, सक्सेसफुली चलाना है, दुनिया का भी आदमी बनना है, तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैनेज करना पता ही नहीं तो फिर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। कि क्यों पढ़ रही हैं, सिर्फ तो मुसीबत के लिए नहीं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते किसी सेठ का बिजनेस मैनेज करना है तो स्किल्स हम सीख रहे हैं ताकि ध्यान में लागू के पोजिशन मिल सके, या कल को हमें अपना बिजनेस करना है तो हमको सीख रहे हैं कि कैसे अपने बिजनेस को बेस्ट वे में मैनेज करना है, या अब्बा जी का बिजनेस हमें संभालना है तो कैसे हमने उसको आगे बढ़ाना है, कैसे बेस्ट वे में मैनेज करना है, वो हम सीख रहे हैं। तो बेटा ये दो पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडीज। बिजनेस मैनेजमेंट को हमने डिफाइन कर लिया, बिजनेस मैनेजमेंट इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इसलिए दूसरा पार्ट है बिहेवियर स्टडीज। बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड। कुछ लोगों के बिहेवियर अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के बिहेवियर अच्छे होते हैं, उनके अंदर बड़े अच्छे मैनर्स होते हैं, लोगों के साथ बड़ा अच्छे तरीके से डील करते हैं। क्या क्या चलते हुए पहले एक्सक्यूज करते हैं, फिर वो पीछे हो जा किसी से स्माइल देके आगे चलेंगे, कुछ चलते हुए आगे आगे ये तो आप देखिए कि कैसे ये मैं जा रहा हूँ देखकर सब हुआ क्या, ऐसी बात है। ओके, इस क्लास के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स के बिहेवियर बड़े अच्छे हैं, बड़े ठीक है कि हमें ये पेपर पढ़ना है, इसी टाइप में पास करना है, नहीं सिर्फ पास नहीं करना, मुझे कुछ मैरिट सर्टिफिकेट भी चीज पर। कुछ लोगों के बिहेवियर गंदे पीछे अभी भी सोए हुए होंगे, मुसीबत क्या यार वेक्टर की आप पढ़ना है, सुबह 8 से 9 डेली 8 बजे आप आना पड़ा करेगा, क्या क्या वो गंदे बिहेवियर, कुछ अच्छे बिहेवियर वो भी हमने अच्छे बनाने हैं। इम्प्लॉई के भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के बिहेवियर होते हैं, कुछ अच्छे बड़े कमिटेड होते हैं, आप उनको जरा सा इशारा करो ये हार्डवर्क के साथ काम पूरी करके देंगे, बड़ा विलिंग काम करके देंगे, बड़े मोटिवेटेड होते हैं। कुछ इम्प्लॉज गंदे बिहेवियर, काम 10 दफा करो फिर भी शायद नहीं करेंगे, जब तक डंडा ना हो काम नहीं करेंगे। अब अच्छे बिहेवियर से बिजनेस मैनेज होगा या गंदे बिहेवियर से, अच्छे बिहेवियर होगा तो बिजनेस मैनेज होगा, एक्टिव मीट होगा। अगर इम्प्लॉय के गंदे बिहेवियर रहे तो काम नहीं करेंगे, जैकी मारा मीट नहीं होगा। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बिजनेस मैनेज करने के लिए हमें लोगों के बिहेवियर भी मैनेज करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं। पहले देखेंगे कि अच्छे बिहेवियर के पीछे रीजन क्या होती है, अच्छे बिहेवियर मेंटेन कैसे किया जा सकता है, लोगों के गंदे बिहेवियर होते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, कैसे उन रीजन को ओवरकम जा सकता है, कैसे लोगों के बिहेवियर अच्छे बनाए जा सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है एक्स्ट्रा वर्क की तरफ। क्यों, बिहेवियर अच्छे होंगे तुम्हारा बिजनेस भी मैनेज होगा, अगर बिहेवियर गंदे रहे तो बिजनेस मैनेज नहीं होना। वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब हमने बात की कि तब उसकी ईजीएस्ट पेपर उसके क्या कर है, बी एम बी एस कैसे ईजी है, सिर्फ 11 चैप्टर है, लेकिन 15-16 चैप्टर पेजेस भी 200-300। क्या करना, 11 चैप्टर कवर करने हैं जिनको हमने डिवाइड कर दिया इनटू 150 पेजेस, तो 150 पेजेस हमने लर्न करने हैं, पेपर पास हो गए। हमारे पास मंथ कितने हैं, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी नहीं है, बस जनवरी तक है। तो पेपर पास करने के लिए आपको जनवरी एंड तक उसका सिलेबस 100% कवर करना है। अगर फरवरी में किसी भी पेपर की कुछ नई चीज पढ़ने वाली चलेगी तो पेपर पास नहीं होगा, इसलिए सिर्फ रिवाइज करने के लिए जनवरी एंड तक हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है।
फरवरी में क्या करना है, 30 डेज है हमारे पास, 3 पेपर है, 10 अजीत जी के रिवाइज करना है, पेपर देने जाएंगे, पेपर फेल हो ही नहीं सकता। पेपर फेल कब होता है? जब मंथ बिफोर पेपर, आखिरी मंथ में हम क्या कर रहे थे, रिव्यू के लिए कुछ नया कर रहे थे, तो उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। जब रिवाइज नहीं किया पेपर पास नहीं होता, इसलिए हमारे पास 4 नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ, एवरी मंथ अगर हम 25 डेज भी बनाए हमारे पास 100 डेज 50 पेजेस हैं। डेली कितने पेज होने चाहिए, कितना हमने काम डेली करना है, कैसे आना है। बाकी काम मेरा है, मैं आपको डेली पढ़ा भी लूंगा, डेली साथ लर्न भी कर दूंगा, बेसिक फाइन कर आपको टेस्टों में भी बिठा दूंगा और ये पेपर आपका पास हो जाएगा। और बड़ा इजी वे में पेपर चलता रहेगा, बिल्कुल बर्डन बनेगा ही नहीं, फिर भी नहीं होगा कि आपके पेपर पढ़े, ये तो मुश्किल होगा। जब हम क्लास तो पता नहीं होगा इसे इसे करना क्या, और अगले दिन वाला टॉपिक भी अगर उसी से रिलेटेड हुआ तो अगला दिन भी किया, फिर पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिरी महीने शक्ल बनी होगी, छुट्टियां की नहीं आता ही, जिससे बाकी पेपर भी अटैक करते हैं। सिंपल में क्लास में आना भी डेली अपने आप को मना के यहां पे लाके बिठा चैप्टर कितने हैं, 11 चैप्टर हैं। सो एक चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो चैप्टर 1 टू 5 पहले 5 चैप्टर, ये हमारा है BM का पोर्शन, बिजनेस मैनेजमेंट। चैप्टर 6 टू 10 है, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, ये है हमारा BS का पोर्शन, आपने रोक लेना। हाँ कभी कोई औखा पेज आएगा तो सकता है कि पेज हम कवर करें, बहुत औखा पेज आ गया तो सकता है आधा ठीक हो गया, लेकिन 2 पेज से ज्यादा हम डेली कवर नहीं करेंगे। और आपने क्या करना है, कोई 2 पेज अगले दिन क्लास में आने से पहले प्रिपेयर करके आ जाना है, सब सब चीजें चलती जाएंगी। एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें पूरे वीक का हम सिलेबस लर्न करके टेस्ट लेके लॉकअप कर कोशिश के आप कोई मिड ऑफ जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, भी एंड तक नहीं, मिड ऑफ जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आखिरी 15 दिन जनवरी के क्या करेंगे, डेली एक चैप्टर रिवाइज, अगले दिन टेस्ट, डेली एक चैप्टर रिवाइज, अगले दिन टेस्ट, जनवरी एंड तक सब कुछ हमारे हाथ में होगा। फरवरी के मंथ में सिर्फ में कुछ होगा ही पढ़ने को, 2-3 दिन पढ़ के एक मौक देंगे, उसके बाद पेपरों से पहले तो 2-3 दिन पढ़ के 6 मार्च को पेपर देंगे और पेपर इजीली पास हो जाएगा।
11 चैप्टर है हमारे पास, इंटरनल तो हमारे साथ एक प्रॉमिस है भाई, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है इससे आपका पेपर टेस्ट करना है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से 25 मार्क्स आ गया। हाँ, एक दो नंबर तो नीचे हो सकते हैं, 20-24 हो सकते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 25 मार्क्स का पेपर यहाँ से टेस्ट करता हूँ। चैप्टर 3, 4 एंड 5 में एग्जाम्पल मार्क्स का पेपर यहाँ से टेस्ट करना है। नहीं मिला के ये कोई 45 मार्क्स है हमारे बनेंगे बीएम क्वेश्चन से। फिर एग्जाम्पल का एक प्रॉमिस है भाई, चैप्टर 6 और 7 20 मार्क्स सिर्फ एक ही चैप्टर टेस्ट हो गया, दो को इग्नोर मार दिया, दो चैप्टर 20 मार्क्स ये टेस्ट हो गए। हाँ, समटाइम तीनों भी टेस्ट हो गया, लेकिन हमने सारा ही प्रिपेयर करना, हमें सिलेक्टिव पे नहीं जाना, क्यों है 150 तो पेजेस हैं, सिलेक्टिव करना तो फिर हमने सीए का नहीं करना। चैप्टर 8, 9, 10 एग्जाम्पल का प्रॉमिस है भाई, यहाँ से भी मैं 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट करना है। 45 मार्क्स बी एम से, 40 मार्क्स बी एस से, टोटल मिला के हमारे कितने हो गए 85 मार्क्स। पीछे कितने रुके, ये मिला चैप्टर और ये मिला के हमारा 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। इसको पास करने के लिए चाहिए जब हमारा टारगेट कोई 75-80 का होगा, तो ये 50 मार्क्स लेने के हमारे जो क्लास टेस्ट है उसमें हमें 75% अबव मार्क्स मेंटेन करना होंगे थ्रू आउट दीज 4 मंथ सेशन। फिर जाके हम आईकैप में 50 नंबर लेने के काबिल बनेंगे। अगर आप क्लास टेस्ट ही 50% पे पास कर रहे हैं तो आई कैप में हमारा पेपर 45 पे फेल हो जाएगा। ट्राई करना तो करके देखो ना। हाँ, अगर आप क्लास टेस्ट में ही पास नहीं हो रहे तो आई कैप में हमारा पेपर बिलो 30 से फेल हो जाएगा। तो पास करने के लिए हमें क्या करना है, क्लास टेस्ट में एटलीस्ट 75% अबव मार्क्स मेंटेन करने हैं। इसलिए क्लास टेस्ट में हमारा पासिंग क्राइटेरिया 75% होगा, 50% कोशिश है कि पेपर पहली अटेम्प्ट में ही हम पास कर लेंगे। एक रिसर्च ये कहती है क्यूई का पेपर जो है ज्यादातर स्टूडेंट या तो पहली अटेम्प्ट में पास करते हैं या चौथी अटेम्प्ट में पास करते हैं। रीजन क्या है, बोरिंग काम है थ्योरी पढ़ना, दुनिया में इससे ज्यादा बोरिंग काम नहीं। अब स्टूडेंट पहली अटेम्प्ट में पढ़ता है थ्योरी का पेपर तो नॉर्मली फेल करता है 46-47 पे, तो दिमाग में मैसेज जाता है कितने नंबर से फेल हुआ, 3 या 4 हालांकि वो 3 या 4 नंबर से 53-54 मार्क्स से फेल हुआ है। क्यों, आपने मार्क्स लूज किए हैं, आउट ऑफ 100 कितने लूज किए हैं, 53-54 आपकी मेहनत प्रॉपर नहीं थी। अब दूसरी अटेम्प्ट में उसे पास करने के लिए पहले से डबल मेहनत चाहिए, पहले से डबल मेहनत करोगे तो पेपर पास होगा वरना नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है कि एक दफा अगर इतना बोरिंग काम कर लिया तो दूसरी दफा उतना काम करने का दिल नहीं करता। तो दिमाग में 3 या 4 नंबर से आया तो इतना ही पढ़ना बस आता है मुझे। हाँ, 46 का आता है मुझे, पीछे मैंने 3 या 4 नंबर के पढ़ना है। और दूसरी टाइम में स्टूडेंट क्या करता है, बाकी 2 पेपर साथ और उठाते हैं, चलो बीएम को क्या करूंगा आखिरी मंथ में जाके पढ़ के तो कितने पेपर ले लेंगे। और जब आखिरी मंथ आता है पता चलता है मुझे बाकी 2 सब्जेक्ट है उनका भी सिलेबस पड़ा है, चलो 15 दिन पहले मैं उनको कवर कर लूँ क्योंकि उनकी क्लासेस लगी हुई हैं और बी ए को मुझे वैसे ही आता है 3-4 नंबर के पढ़ना है तो आखिरी 15 दिन है, तो आखिरी 15 दिन भी नहीं दे पाता। कुछ स्टूडेंट 1 वीक देखे पेपर उसी टाइम में अटैम्प्ट करते हैं,
कुछ तीन भी पढ़ के करते हैं, कुछ पेपर वाली रात पढ़ के करते हैं। क्यों? तीन या चार नंबर पे गौर करते हैं, बाकी गौर है दूसरी टाइम में पेपर फेल हो जाते 46-47 पे। क्यों? पास करने के लिए पहले से डबल मेहनत चाहिए थी, तो हमने तो पहले बताया वन टाइम में लगी नहीं। किताब में मैसेज आता है कि दो दफा 46-47 पे फेल हुआ, जिसमें मुझे आता है इस दफा अगर शायद मैंने पूरा महीना पढ़ा होता तो पास हो जाता। और फिर इसी टाइम में वही असर करता है, आखिरी महीना पढ़ते हैं वो पूरा महीना पढ़ेंगे आता है मुझे 46-47 आना है तो आता है, सिर्फ तीन चार नंबर पढ़ना है। अब इसी टाइम में क्या होता है, नॉलेज वीक हो चुका है, पेपर फेल होता है कितने क्लासेस प्रॉपर ज्वाइन करता है कि नहीं मुझसे भी पढ़ा जा रहा, क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, मेरा वो टेम्परामेंट नहीं बन रहा, रूटीन नहीं बन रही, टीचर भी चेंज करता है, पहले वो टीचर भी शायद ठीक नहीं था, फिर पहले से डबल मेहनत करता है, प्रॉपर साथ साथ टेस्ट देता है, फिर जाके पास करता है कहाँ पे टीची पे। कुछ लोग यहाँ पे भी पहले से डबल मेहनत नहीं करते, फिर बात कहाँ पे जाती है, झूठे पे। और जब छोटे पे बात जाती थी पास करते हैं या फिर यहाँ बहुत कम स्टूडेंट हैं जो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में थ्योरी का पेपर पास कर लेते हैं। रीजन क्या है कि पहले से डबल मेहनत चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं करते, क्यों? उतना बोरिंग काम दोबारा करने को दिल नहीं करता, तो मेरी कोशिश है हमारा ये पेपर कहाँ पे पास हो जाए। आप लोगों की कोशिश क्या है मैं यहाँ पे डेली अपने आप को मैं नाप के खाना है बाकी काम, अब मुझे पता है मैंने आपको कैसे पास करवा लेना है, आप हम क्या सिर्फ अपने आप को आगे आगे क्लास में बिठा देना। तो ये पेपर था इसका कवर हमने कहाँ से करना है, हमारी अपनी एक राइस कॉलेज की बुक तो होपफुली दो चार दिन में प्रिंट होके आ जाएगी, तब वहां से कवर करेंगे। और कोई हमें बुक नहीं चाहिए, कोई पास पेपर नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं चाहिए, सब कुछ हमारी उस बुक के अंदर इंक्लूडेड है। जो अभी कुछ टाइपिंग प्रोसेस में है क्योंकि आज क्या आपने बुक थोड़ी सी चेंज की है इस सेमेस्टर में, तो नई बुक हमारी बन रही है तो दो चार दिन में आ जाएगी, से मैं वो साथ लेके आऊँगा जहाँ से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, सी हो गया पेपर पर आप थोड़ा इंट्रो खेलें। मेरा नाम जयल हक, जब मैं पैदा हुआ तो जयल हक की हुकूमत और हमारी फैमिली में हर बंदे के नाम के साथ हक हक, तो मेरे कुछ दादाजी थे वो जो भी पैदा होता था उसका नाम रख करते थे, मेरी दफा उन्हें कोई और हक नजर किया, उन्होंने दफा जयल हक फिर जयल हक, मैं भी छोटा सा था नहीं पता चला क्या नाम रखा जा रहा है। ठीक सर, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो जनरल स्कूल में दाखिल करा दे, पढ़ लिख जाएगा एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जिसकी ना बिल्डिंग थी ना, कभी हम किसी ग्राउंड में बैठ पढ़ रहे हैं, कभी किसी ग्राउंड में बैठे पढ़ रहे हैं, किसी बंदे का कोई प्लॉट नहीं खाली, उसने कहा चलो यहाँ पे स्कूल लगा लो, घर से अपना एक बोरिया साथ लेके जाया करते थे जो नीचे बिछा के ऊपर बैठ के पढ़ा करते थे, क्लास फाइव तक इसी तरह से पढ़ा ना बिल्डिंग ना कोई क्लास सिक्स हुई तो गवर्नमेंट हाई स्कूल आ गया, तो उर्दू मीडियम, ये मेरे दोनों स्कूल ही पंजाबी मीडियम थे, महंगी गाड़ी टीचर क्या देते थे
क्लास सिक्स में कहाँ पे चला गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल में चला गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्कूल की बिल्डिंग तो थी, फर्नीचर भी था, लेकिन सिर्फ सीनियर क्लासेस के लिए, सीनियर नहीं मैट्रिक के लिए, बाकी नीचे ही बैठे थे। तो पिछले चीज वहां पर थी कि ग्राउंड बने हुए थे, नीचे घास थी, तो चलो स्कूल से बैठ जाया करते थे। क्लास सिक्स से ए बी सी पढ़ना शुरू की, क्लास फाइव तक नो अंग्रेजी। ए बी सी पढ़ना शुरू कर देते हो ना, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हो। नहीं, हमारे दौर में क्लास फाइव तक अंग्रेजी ए बी सी भी नहीं आती थी, क्लास सिक्स से अंग्रेजी पढ़ना शुरू की। क्लास सिक्स सेवन एट थ्री नाइन की बारी आई तो घर वालों ने सोचा ये हमारा होनहार पुत्र है, ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक करेगा। तो मेरी साइंस सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक स्टार्ट कर दी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। अब ये नाइन्थ टेंथ सेपरेट है, तब एपी टेंथ के पास बोर्ड के पेपर होते थे और वही मार्क्स के थ्रू आप डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। मैट्रिक का रिजल्ट मार्क्स बहुत डालते हैं, पता चल गया जिसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। आप लोगों का बात ऐसी बात डिसाइड हो ना, आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, तो मैट्रिक बहुत डिसाइड हो गया डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। चलो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो आप क्या बनेगा, इसको कॉमर्स की लाइन में भेज दो, क्योंकि उसके बाद बैंक में जॉब मिलती है। वो पता नहीं क्या समझते थे बैंक जॉब को, बैंक में जॉब मिलती है, चलो बैंक में जॉब मिलती है, चलो इसको कॉमर्स की लाइन में भेज देते हैं, बैंक में जॉब करेगा। ये बार में कॉमर्स की लाइन में क्या करना है, एक होता है आई कॉम, सर होता है डी कॉम, डिप्लोमा इन कॉमर्स। तो डिप्लोमा इन कॉमर्स डी कॉम स्टार्ट कर दिया, डी कॉम तो कर रहे हैं, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बी कॉम होता है। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छा कहाँ से होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एल ए कॉलेज से होता है। अच्छा, लेकिन उसको मेहनत बनाना पड़ता है, कोई बात नहीं मैं बनाऊंगा। तो डी कॉम स्टार्ट कर दिया, बी कॉम एल ए कॉलेज का मेहनत बनाने के लिए, कोई सकता है लेकिन और क्या था। डी कॉम पार्ट वन फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, रिजल्ट आया मार्क्स भी था, पता चला इसे तो हेरे कॉलेज में उन्होंने घुसने भी नहीं दिया, मेरिट तो बड़ी दूर की बात थी। अब क्या करें, डॉक्टर जी इधर हेरे कॉलेज का मेरिट जी का मुझे नहीं बन रहा, किसी का तो इस तरह कर फर्स्ट ईयर को लेकर सभी में रिपीट करते हैं, एक टीचर से डिसोसिएशन तो पागल हो गए, या तो साउथ आया कर तो ठीक है, और तो कभी सही किया दो दो सपियाँ ले बैठे। खैर मैंने भी नहीं मानी, मैंने क्या किया सेकंड ईयर के साथ चलता रहा, साल भी जाया नहीं करना, सभी में फर्स्ट ईयर के सारे पेपर दोबारा से रिपीट कर दिया, रिपीट किए 96 मार्क्स पहले से ज़्यादा हो गए, कैसे हुए पता नहीं चला। अब थोड़ी होप बनी कि अब इसे मेरिट बन जाएगा, फिर सेकंड ईयर में थोड़ी सी मेहनत की तो हेले कॉलेज का मेरिट बन गया, फिर इसे उठा हेले कॉलेज भी गया। अब बी कॉम तो स्टार्ट कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एम बी ए होता है। अच्छा, सबसे अच्छा कहाँ से होता है, आई बी ए से होता है। अच्छा, लेकिन उसमें बी कॉम के टॉप 15 स्टूडेंट्स ही जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते, कोई बात नहीं मैं जाऊँगा। तो बी कॉम स्टार्ट कर लिया, एम बी ए का मेरिट बनाने टॉप 15 स्टूडेंट्स में आता है। बी कॉम पार्ट वन के पेपर दिए, रिजल्ट आया मार्क्स का, पता चल गया जिसे आप एम बी ए का मेरिट नहीं करना, उसके पीछे इंटरमीडिएट मैट्रिक के मार्क्स भी वो मैरिट में काउंट करते हैं, वो प्योर मेडिक काम थे। तो हाँ, इतना चोर हो गया कि आप एम बी ए का मैरिट नहीं करना, आपने क्या करना, सभी शक्ल बना के फिरता रहता था। एक दिन एक बंदा मेरा सुनकर क्या हुआ, क्यों इतनी सभी शक्ल बनाई है, बताया ये देखो एम बी ए का मैरिट बनाना था, मार्क्स बड़े काम है। तो उसने कहा फिर क्या हुआ, एम बी ए भी हुआ तो क्या हुआ, तो सही कर रहे मेरा तो फिर क्या करनी थी, बस पास किया क्योंकि करना ही सी है, बी कॉम हो गया,
सीए आई कैब कोई भी मुंह उठा के सीए मैटर हो जाता है, पर ऐसे नहीं होता था। एक पीपीटी टेस्ट होता था, वो टेस्ट जो पास करता था उसकी आई कैब में रजिस्ट्रेशन होती थी। टेस्ट की तैयारी करी की, टेस्ट दिया, टेस्ट पास हो गया, आई कैब में रजिस्ट्रेशन हो गई, सीए स्टार्ट करने लगा, बंदा मिल गया, क्या करने जा रहा है? उनका सीए पागल हो गया, ये तो होता ही नहीं। वो प्लान को देख उससे नहीं हुआ, प्लान को देख उससे नहीं हुआ, प्लान बूढ़ा हो गया, प्लान ने बीच में छोड़ दिया, तू किधर जा रहा है? क्या करूँ? तो यू कर, तू पहले कर ACCA। करो क्यों? देखिए एक यूके की सर्टिफिकेशन है, तो ACCA कर लेगा, तो उसके बाद आई कैप कहता है कि तूने सिर्फ दो पेपर फाइनल के देने हैं, तेरा सीए भी हो गया। अच्छा, दो साल में ACCA, उस बार सीए फाइनल के दो पेपर देने और साथ सीए भी, तो कहता हूँ मैंने सीए ही है। तो इस तरह करते हैं ACCA स्टार्ट कर दिया, सीए करने के लिए, तो उसके बाद दो पेपर देने हैं, सीए फाइनल के और सीए भी हो गया, ACCA दो पेपर पास कर गया। उनका ACCA के बाद आप दो पेपर नहीं, आपको दो मॉड्यूल देना होंगे। दो पेपर के बाद छह पेपर पे बात आ गई, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करना है ये इसी से स्टार्ट कर दिया। चलो जी, उसके बाद हमने ए के दो मॉड्यूल पढ़ के तो ये करना है। इसी से होता था, शाम क्लासेस होती थी, सुबह सोए रहना, शाम में दिन में दो तीन बजे उठना, कॉलेज जाना, क्लासेस पढ़नी, रात में आके थोड़ा सा पढ़ना, फिर सुबह दो तक सोए रहना। एक किराए के घर में रहता था, ऊपर मालिक मकान रहता था। एक दिन सुबह सुबह उसने मुझे उठाया, कहीं काम जाना है, इसको पढ़िया मुझसे, चलो मैं रेडी हुआ, साथ चला गया, मुझे स्कूल में ले गया। वहाँ पे प्रिंसिपल कोई जानने वाला था उसका, उसके सामने मुझे खा के कहता है ये आपके पास पढ़ाएगा, तो मैं पढ़ूंगा। तो हाँ, सारा दिन सोया रहता है इधर, आपको सुबह पढ़ाओ पैसे, तो वहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छी सुबह मैंने पूछना शुरू कर दिया, अच्छा जी आपने क्या 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 किया हुआ है? बीच में मैंने कहीं पे बी कॉम के बाद कुछ आई टी का छोटा मोटा कोर्स भी कर लिया था। स्कूल वाले कहा जी आप हमारे पास कंप्यूटर पढ़ाएंगे मैट्रिक का? तो मैट्रिक का कंप्यूटर तो मैंने को खुद भी कभी पढ़ा, कहाँ से पढ़ाऊंगे? क्योंकि आपने को आई टी का कोर्स किया तो आप पढ़ा देंगे। कहा सर फिर आप क्या मैं पढ़ा देंगे? इतने जीवन से मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। रात को तीन बजे तक किताबें पढ़ी, स्कूल जाके पढ़ा देना, तो दो तीन बजे तक पढ़ना, सुबह जाकर पढ़ा देना। वो क्या हुआ कि पहले ही साल मेरे एक स्टूडेंट के बोर्ड में 100 out of 100 आ गए। कैसे आगे मुझे भी पता, अच्छा स्टूडेंट होगा, शाम में कहीं केमिस्ट कैमिस्ट जाता होगा, वहां से उसने पढ़ लिया होगा, उसके 100 out of 100 आ गए। स्कूल वाले पागल हो गए, कहते हमारे पास स्टूडेंट तो टीचर आ गया, हमारे किसी स्टूडेंट के मैथ में 100 out of 100 नहीं आई थी, कंप्यूटर आ गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा कमाल टीचर है, उनकी शाम में अकेडमी थी, मुझे कहते अकेडमी नहीं पढ़ाएगा, मैं तो पैसे मेरे के क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, शाम में अकेडमी भी पढ़ाया, अकेडमी में उनका बी कॉम कर रहा था, कहते ये भी पढ़ा लेगा, मैं फिर तुम्हें बात ही नहीं, वो भी पढ़ाना शुरू कर दिया। एफए की स्टैट इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेगा, मैं तो कोई मसला ही नहीं है। बीए की स्टैट इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेगा, कोई मसला ही नहीं है। स्कूल वालों ने मॉर्निंग में जो नया नया ओए लेवल स्टार्ट किया उस वक्त, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ओए लेवल, ये पढ़ा देगा, मैं तो ये कोई मसला नहीं है। लोग मॉर्निंग में वो भी पढ़ाना शुरू कर दिए। क्या हुआ, 5 साल हो गए ACCA के 5 पेपर पास हैं, 5 साल सुबह 7 बजे घर से निकलना, स्कूल ट्यूशन अकेडमी ट्यूशन, रात 11 बजे घर जाना, स्टडी की गार्ड में मैं टीचर 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 चली जा रहा हूँ। कैसे आ रहे हैं तो स्टडी कर लूँ, उसकी जरूरत है मैं इस तरह चलता स्टडी का टाइम भी नहीं है, ना क्लासेस अटेंड करने का टाइम, ना पढ़ने का टाइम, सुबह 7 से रात टीचिंग चलती है, मैं टीचर चल गया। अचानक 2007 में एक दोस्त मेरा यूके का वीज़ा कर रहा था स्टडी वीज़ा, तो क्या हुआ हम सारे यहीं पर खचा हुआ रहते हैं, चला बाहर चलते हैं, बाहर दरख्तों पे नोट लगे होते हैं, लोग उतार मार के लाते हैं, खिलाते हैं, को देख फ्लॉ बाहर गया क्या बन गया, फ्लॉ में देख बाइट से क्या बनाया, फ्लॉ देख बाइट से आता तो क्या लगता है, चला अभी बाहर चलते हैं।
काम बात है तेरी, चलो बाइक से स्टडी वीजा इसी सी ए टी बी एस पर अप्लाई किया। अब स्टडी वीजा अप्लाई करने एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, आपको कोई फैमिली मेंबर जिसकी कुछ खड़ी बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी कि तुम्हें पैसे मेरे पास हैं और बंदे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, सारे खर्च कर रहा हूँ और ये बाइक जाके जाके वीजा लगता है स्टडी वीजा। फैमिली में देखा मैं छोटी नहीं बैंक से हम क्या करेंगे, जाने वाला दूध का दोस्त था उसकी जो बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी उसने मुझे बैंक स्टेटमेंट ला के दे दी कि देख ले तेरे से काम आ गया, कंप्यूटर के पास ले तो हाँ काम बन सकता है, मुझे आईडी कार्ड की कॉपी भी ला दे। आईडी कार्ड की कॉपी ले गया, उसने क्या किया आईडी कार्ड की उसकी कोई एड्रेस जो चेंज किया, उसकी कॉपी करवाई, उसका चली निकाह बनवाया, उसको मेरा फूफा उस निकाह अपने दादा के सिग्नेचर मैंने खुद किए और क्या किया हमने वो निकाह नामा बैंक में रजिस्ट्री करवाया और उसे मेरा फूफा शो करके वीजा अप्लाई कर दिया कि ये मेरा फूफा है मुझे स्पॉन्सर कर रहा है मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। पैसे का वीजा रिजेक्ट कर दिया, अपने माल साथ फ्रॉड किया, झूठ बोला, इस बंदे के साथ आपका रिलेशन है ही नहीं, पकड़ लिया मैंने शादा से बैठा निकलवा दिया, वीजा रिजेक्ट हो गया, दूसरे दोस्त का वीजा लग गया वो फ्लाई कर गया। अब कंसल्टेंट के पास गया लटका के कहता हूँ आपने फ्रॉड किया था, तो उन्होंने पकड़ लिया तब बाकी फीस रिफंड करवा लेते हैं आप यही करो आज उसके पास भी बंदा जाता है मेरी एग्जाम तो मैंने ऐसे भी वीजा लगवाए इसी करने के बाद एक यूनिवर्सिटी ने ए सी सी किया, आपको सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ा के एम बी ए देते हैं, वहाँ से एग्जामिशन की बेस पर एक सेमेस्टर पढ़ा एम बी ए क्योंकि ख्वाब था एम बी ए करना, मैं तो पाकिस्तान में एक ही सी सही एम बी ए कर लिया। उसके बाद यूके की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई सी ए डब्ल्यू, मैंने कहा अगर आपने ए सी सी किया तो सिर्फ दो पेपर दे के आपका आई सी ए डब्ल्यू पढ़ाया तो मैं भी इमोशनल हो गई फिर इमोशन में आके मैंने यूके क्विट करके पाकिस्तान वापस आ गया, तो चलो मैं आते हैं वहाँ के साथ रहते पाकिस्तान आया तो सोचा मैं वहाँ पे दुनिया की टॉप फर्म डेलॉयट यूके से एज ऑडिट मैनेजर छोड़ के आ रहा हूँ यहाँ पे तो फर्म है मुझे क्यों यू डी ऑडिट करेंगे, मैं कह किसी बात से नहीं कर क्योंकि आपका सिस्टम ही रहता है आपको पहले यहाँ पे इतना टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा, वहाँ पे पे दे रहे थे वहाँ पे इतना डेस्टिनेशन दे रहे थे। फिर वहां से एक कॉलेज के पास गया तो वहां से फिर 2011 से ऑनवर्ड ए सी सी ए और सी ए की डिग्री स्टार्ट हो गई, साथ में ऑडिट पढ़ाना शुरू किया, ऑडिट पढ़ाते खैर में ये पेपर 2014 में इंट्रोड्यूस करवा दिया, पहले ये पेपर नहीं होता था तो इसके पास
हुआ कि जब आने वाला नहीं था इन्होंने कहा कि ये ड्रामा शुरू करते हैं, ये ड्रामा शुरू कर दिया से टीचिंग 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 ही कर रही है फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड। और आज आप लोगों की बात किसी कि आप लोगों को में आना पड़ा और चार मंथ आपको मुझे देखना पड़ेगा क्या मुझे क्या क्यों चल रहा बताने का मकसद क्या था कि मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में पैदा होने वाला बच्चा नहीं था, बड़ा होनहार स्टूडेंट नहीं था, मेरा तो फिर भी डिसाइड हो गया था मेरा कुछ नहीं बनने वाला। काफी कुछ होता है लाइफ में, ठीक हो गया तो आपके लोगों के साथ भी हुआ होगा। डॉक्टर सोचा कई लोग अब तक किसी से नहीं लिखते होंगे कि हम डॉक्टर इंजीनियर ही बने, हमारा मैट नहीं बना। कई लोग सोच रहे होंगे शायद मैं एक अटैम्प्ट और एक साल और लगा लो, शायद मैं अभी भी ट्राई कर सकता हूँ। क्या कह रहे हैं से वो दिमाग से छोड़ दो, अब से ऑनवर्ड आगे देखो कि आगे आपने करना है कुछ और वो करना है और यही करना है। इसलिए पीछे जो हुआ वो छोड़ दो, कमिटेड हो जाओ करना है और सिर्फ उसी चीज को प्रायोरिटी बनाओ हो जाएगा। ये एक साल आने वाला आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये एक साल या तो आपकी जिंदगी बना देगा या तबाह बर्बाद कर देगा। इस एक साल में अगर आपने 6 पेपर पास कर लिए आपकी जिंदगी बन जाएगी सीए का। साल में अगर आपने सीए हुए सीए स्टडी को नहीं बनाया तो आपकी जिंदगी बहुत बर्बाद हो जाएगी। कोचिंग फॉर्म में एंट्री नहीं होगी, सीए आपका नहीं होगा, पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा इंटरमीडिएट, तो किसी खाते में नहीं। बाकी साल वाला कोई एम बी ए कर गया होगा, कोई एम एस सी कर गया होगा, फिर पी एच डी पे पढ़ा होगा, मेरा अभी तक कोशिश करो आपसे स्टडी को प्रायोरिटी बना के एक साल पास करना, बहुत सिंपल है। 3 पेपर एक अटैम्प्ट में पास करना, डेली 3 क्लासेस लेना, कुछ में 5 घंटे लगते हैं, उसको घंटा ब्रेक लो, डेली 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की रूटीन बना, डेली का काम साथ साथ करें, शाम में 6-7 बजे आप फ्री हो, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 क्या करेगा? तो बिल्कुल आसान क्लास लो, चंदा ब्रेक लो, 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, इस तरह पूरा वीक चलो, साथ साथ चीजें फेल हो रही हैं, साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं, पेपर फेल हो रही है, पेपर फेल क्या होगा? फिर क्लास नहीं आएंगे। जब हम डेली का साथ डेली से 4-7 कवर नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, पेपर पास नहीं। आपसे होंगे स्टडी को प्रायोरिटी बताएं, कमिटमेंट शो करें कि ये हमें करना है। पेपर क्या था, पेपर भी एक अटैम्प्ट करें, बाकी